हेलो स्टूडेंट्स, आज दे इस वीडियो विच आपां डिस्कस करांगे सर्विस ऑफ होलसेलर। होलसेलर दियां केड़ियां केड़ियां सर्विस हुंदियां वा, ठीक है। होलसेलर अपने इंदे च थ्री टाइप्स आ जांदियां वा। होलसेलर किन्नू सर्विस देगा? मैन्युफैक्चर नू, रिटेलर नू एंड सोसाइटी नू। आपां इन्हां नू वन बाय वन डिस्कस करांगे। फर्स्ट आ जांदा प्रोवाइड डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी। आपां इह मैन्युफैक्चर दे अंडर देख रहे हां राजे कि मैन्युफैक्चर नू केड़ियां केड़ियां सर्विस प्रोवाइड कर रहे। फर्स्टली की सी? प्रोवाइड डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी। जिहड़ा होलसेलर आ, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा वा। सो हुण मैन्युफैक्चर दा मेन कंसंट्रेट किंदे ते होएगा? अपने गुड्स नू प्रोड्यूस करन दे विच। इंदे नाल की होएगा? वो अपना बिजनेस ते ज्यादा फोकस कर सकदा ते अपने बिजनेस च उहदे एफिशिएंसी इनक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट आ जांदा प्रोवाइड इकोनमी ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। लार्ज स्केल प्रोडक्शन दी सर्विस किस तरह होएगी? जिहड़ा होलसेलर आ ओह गुड्स किंदे च परचेज करदा? बल्क विच, लार्ज क्वांटिटी दे विच गुड्स परचेज करदा, ठीक है। जे ओह लार्ज क्वांटिटी दा ऑर्डर मैन्युफैक्चर नूं देगा ते मैन्युफैक्चर भी गुड प्रोड्यूस करेगा। सो इन दा रिजल्ट की आंदा वा कि मैन्युफैक्चर की अपनी लार्ज क्वांटिटी दे विच प्रोडक्शन कर सकदा। थर्ड आ जांदा प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट मार्केट ट्रेंड। होलसेलर मैन्युफैक्चर नूं मार्केट च जो ट्रेंड चलदा पिया उहदी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करदा। नेक्स्ट आ जांदा प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस। फाइनेंशियल हेल्प किवें देगा? कि जिहड़ा होलसेलर आ ना ओह की करेगा? जां तां मैन्युफैक्चर नूं अपने जिहड़ा ऑर्डर दित्ता उहदे लई एडवांस मनी दे देगा, ठीक है। नहीं तो की करेगा? जो भी गुड्स परचेज करेगा वह कैश बेस से परचेज करेगा। इंदे नाल मैन्युफैक्चर दी की हो जांदी आ? फाइनेंशियली हेल्प हो जाएगी। नेक्स्ट आ जांदा प्रोवाइड कॉन्टीन्यूटी इन प्रोडक्शन प्रोसैस। होलसेलर जनरली प्लेस एडवांस ऑर्डर। होलसेलर का काम की हुंदा? वह एडवांस दे विच ही ऑर्डर दे दिंदा वा। इंदे नाल की हुंदा वा कि जिहड़े सीजनल, ठीक है, जो भी डिमांड ते सप्लाई विच चेंजेस आंदियां वा उहनू कंट्रोल कर पांदे आ ते अपना प्रोडक्शन प्रोसैस की आ कंटिन्यू रहेगा। सो नेक्स्ट स्टेप आ जांदा स्टेबलाइजिंग प्राइस। स्टेबलाइजिंग प्राइजेस दे विच की होएगा कि होलसेलर ने की कीता, ठीक है। होलसेलर प्राइस स्टेबल करन च हेल्प करदा वा। ओह किवें? कि जिहड़ा होलसेलर आ कीप द लार्ज स्टॉक ऑफ गुड्स। वो अपने को लार्ज स्टॉक रखदा गुड्स दा, ठीक है। जदों अपना डिफरेंस आंदा वा डिमांड ते सप्लाई दे विच उहनूं प्रोपर वे दे नाल कंट्रोल कर सकदा। सो इहदे नाल अपनी प्राइस दे विच जो फ्लक्चुएशनस आणगीआं उहनूं कंट्रोल कीता जा सकदा। प्राइस दे विच फ्लक्चुएशनस किवें आउंदीआं? रीजन की हुंदा? जो कई बार कुछ प्रोडक्ट इदां दे हुंदे आ जिन्हां दी डिमांड इनक्रीज हो जांदी आ बट सप्लाई इन्नी नहीं हुंदी। सो उहदे करके की हुंदा? अपने डिमांड ज्यादा सप्लाई घट आ ते प्राइस इनक्रीज हो जांदे आ। जे इही सप्लाई मेंटेन रहे, ठीक है, ते फिर अपने प्राइस दे विच चेंजेस नहीं आणगीआं। इह काम कौन करदा वा? होलसेलर। स्टेबलाइजिंग प्राइस करन दे विच होलसेलर हैल्प करेगा। नेक्स्ट सर्विस आ जांदी आ प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। हुण इह सर्विस भी प्रोवाइड करदा होलसेलर बाय गुड्स इन द लार्ज क्वांटिटी। आपां नूं इह पॉइंट तां क्लीयर हो गया राजे कि जिहड़ा होलसेलर आ इह लार्ज क्वांटिटी दे विच गुड्स नूं परचेज करदा, ठीक है। द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स टू द होलसेलर प्लेस बिकम वेरी इकोनॉमिकल। जे उहदे कोल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होएगी ते उहनूं अपनी जगह ते गुड्स लैके आनी ईजी हो जाणगीआं। सो इह सर्विस होलसेलर दी होगी मैन्युफैक्चर नूं, क्योंकि हुण मैन्युफैक्चर नूं नहीं ट्रांसपोर्टेशन दी टेंशन। हुण इह काम कौन कर रिहा? होलसेलर कर रिहा। नेक्स्ट आ जांदा प्रोवाइड वेयर हाउसिंग फैसिलिटी। वेयर हाउसिंग फैसिलिटी दे विच की आ? बाय द गुड्स एज सून एज दे आर प्रोड्यूस। होलसेलर की करदा? जिवें गुड्स प्रोड्यूस हुंदियां उसे तरह उहनां नूं ही परचेज कर लैंदा ते अपने वेयर हाउस दे विच स्टोर करके रखदा। सो गुड्स दी जिहड़ी डैमेज दा रिस्क हुंदा ओह हुण मैन्युफैक्चर हुंदे तों की हो जांदा? रिलीव हो जाएगा, ओह रिस्क तों फ्री हो जाएगा। सो इह हुण किहदी टेंशन बणदी आ? होलसेलर दी। सो इह सर्विस की होगी? प्रोवाइड वेयर हाउसिंग फैसिलिटी टू मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर ने सर्विस प्रोवाइड कीती जांदी। नेक्स्ट पॉइंट आ जांदा इनहांस द गुडविल। होलसेलर डू द ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ गुड्स। होलसेलर की करदा? अपने गुड्स की ग्रेडिंग करदा ते
स्टैंडर्डाइजेशन करता वा। इंदा की हो इंदा इंक्रीज द कॉन्फिडेंस ऑफ द कंज्यूमर इन द गुड्स प्रोड्यूस बाय मैन्युफैक्चर। जदों किसी गुड्स की ग्रेडिंग की जाती है, ठीक है, वह ग्रेड के अकॉर्डिंग कस्टमर अपना गुड्स परचेज करेगा। सो कस्टमर का की हुंदा, कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाता। जेडे प्रोडक्ट नू हाईएस्ट ग्रेडिंग दी जाती है, इट मीनस उनकी क्वालिटी ज्यादा बैटर होगी। नेक्स्ट आ जाता प्रोवाइड बेनीफिट ऑफ एडवरटाइजिंग एंड पबलिसिटी। द होलसेलर जर्नली टू एडवरटाइज एंड पबलिसिटी ऑफ गुड्स। होलसेलर की करता कि अपने प्रोडक्ट की, ठीक है, सेल नू इंक्रीज करन दे लई अपने प्रोडक्ट की एडवरटीजमेंट दिंदा। इंदे नाल की हुंदा, उंदा प्रोडक्ट की सेल इंक्रीज हो जांदी है। सो ए सर्विस किंदे द्वारा प्रोवाइड की जांदी है? होलसेलर द्वारा। सो ए सीगे सर्विस आपां जिहड़ियां कीतियां, ए होलसेलर दियां सर्विस सीगियां। किंदे रिगार्डिंग? मैन्युफैक्चर दे रिगार्डिंग। नैक्सट आ जांदा सर्विस टू रिटेलर। हुण मैन्युफैक्चर दे सर्विस हो गईआं कि हुण जिहड़ा होलसेलर आ उह रिटेलर नूं किहड़े-किहड़े सर्विस प्रोवाइड करदा। फर्स्टली ईजी एंड रैगूलर सप्लाई ऑफ गुड्स। होलसेलर रिटेलर नूं रैगूलर सप्लाई अवेलेबल करांदा गुड्स दी, जिस तरह दी उहनां दी रिक्वायरमेंट हुंदी आ। सैकेंड आ जांदा प्रोवाइड फाइनैंशियल असिस्टेंस। द होलसेलर प्रोवाइड द क्रैडिट फैसिलिटी टू रिटेलर। जिहड़ा होलसेलर आ ਉਹ ਉਧਾਰ ਤੇ ਸਮਾਨ ਕੀ ਹੈ ਰਿਟੇਲਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਟੇਲਰ ਆਪਣਾ ਆਪਣੀ ਸੇਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਲਸੇਲਰ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਕੀ ਰਿਟੇਲਰ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਪ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਫੋਰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਗੁੱਡਸ। ਹੁਣ ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਲਸੇਲਰ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ। ਕਿਵੇਂ? ਦ ਹੋਲਸੇਲਰ ਸਟੋਕ ਦਾ ਗੁੱਡਸ ਆਫ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ। होलसेलर को डिफरेंट मैन्युफैक्चर गुड्स अवेलेबल होंदिया। सो अपने जो रिटेलर ईजी वे दे नाल गुड्स नू सिलेक्ट कर सकता। सो नैक्सट पॉइंट आ जाता प्रोवाइड स्टॉक फैसिलिटी। होलसेलर सप्लाई द गुड्स टू रिटेलर एज एंड वेन दे नीड। होलसेलर गुड्स कदो प्रोवाइड करता? जो रिटेलर नू चाहिए होंदिया, उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग गुड्स अवेलेबल करांदा। सो की हो गया? स्टॉक फैसिलिटी होगी। रिटेलर तो गुड्स उदो ही ऑर्डर करेगा जो कस्टमर को ऑर्डर आएगा। सो रिटेलर नु स्टॉक करने की कोई लोड़ नहीं। इस स्टॉक फैसिलिटी किन द्वारा दी जाएगी? होलसेलर द्वारा। नैक्सट आ जाता प्रोवाइड गुड्स एट रीजनेबल प्राइस। रीजनेबल प्राइस से सर्विस देने गुड्स प्रोवाइड करनी है। होलसेलर परचेज द गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी। होलसेलर की करते हैं? गुड्स लार्ज क्वांटिटी परचेज करते हैं एंड गेट द गुड्स एट चीप प्राइस। जो कोई परसन लार्ज क्वांटिटी दे विच गुड्स परचेज करता तो उन्हें की मिलता? उन्हें जो प्राइस होंदा बाकी कंपेरिजन उन्हें लैस पे करना पैंदा। सो इनका एडवांटेज किनू मिल जाएगा? रिटेलर नू मिल जाएगा। जे गुड्स होलसेलर नू सस्तियां मिलिया तो रिटेलर नू भी घट रेट ते ही अवेलेबल होंगे। नैक्सट आ जाता प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। होलसेलर को अपनी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होंगी है, मैन्युफैक्चर भी सर्विस प्रोवाइड करता तो रिटेलर भी यह सर्विस प्रोवाइड करता। नैक्सट आ जाता कवर द रिस्क ऑफ प्राइस फलक्चुएशन। सेम पॉइंट आ गया राजे, जिस तरह आप मैन्युफैक्चर की सर्विस किया कि जिस तरह उनके प्राइस फलक्चुएशन कंट्रोल करता, उस तरह ही यह रिटेलर के लिए भी प्राइस फलक्चुएशन कंट्रोल करेगा। प्राइस फलक्चुएशन का रीजन की होंगे? डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। जो बैलेंस मेंटेन नहीं रहता डिमांड ते सप्लाई च, उदो प्राइस फलक्चुएशन होंगे वा। सो एक कवर कौन करेगा? होलसेलर करेगा। नैक्सट आ जाता प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट न्यू गुड्स। जड़ी न्यू गुड्स मैन्युफैक्चर द्वारा इंट्रोड्यूस की गई उन्हों की इंफॉर्मेशन भी अपन होलसेलर ही प्रोवाइड करता। नैक्सट आ जाता नो नीड टू कॉन्टैक्ट द डिफरेंट मैन्युफैक्चर। रिटेलर नू डिफरेंट मैन्युफैक्चर दे नाल कोई किसी तरह का कॉन्टैक्ट करन दी कोई लोड़ नहीं। रीजन की हुंदा राजे कि होलसेलर जिहड़ा की करदा और डिफरेंट मैन्युफैक्चर दे गुड्स वह अपने कोल रखदा एज ए सैंपल, ठीक है। वह एज ए सैंपल रिटेलर नू शो करेगा, रिटेलर नू जिहड़ी गुड्स पसंद आंदियां उस अकॉर्डिंग होलसेलर उन्हां नू अवेलेबल करा दिंदा। सो नैक्सट आ जाता प्रोवाइड बेनीफिट ऑफ एडवरटाइजिंग। एडवरटाइजिंग की भी फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करता? अपन
होलसेलर प्रोवाइड करता, सो इनकी बोदरेशन भी अपने रिटेलर से नहीं होगी। नैक्सट आ जाता प्रोवाइड मैनेजीरियल एडवाइस, होलसेलर रेंडर वैल्यूएबल सुजेशन विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्ले ऑफ प्रोडक्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस टू रिटेलर। होलसेलर की करेगा कि अपने सुजेशन प्रोवाइड करता, ठीक है, रिटेलर नू कि तुसी किस तरह अपने प्रोडक्ट नू डिस्प्ले कर सकते हो, ठीक है, किस तरह अपनी बिजनेस दी मैनेजमेंट कर सकते हो, सारी एडवाइस किंदे द्वारा दित्ती जाती है, होलसेलर द्वारा दित्ती जाती है। नैक्सट आ जाता लास्ट पॉइंट प्रोवाइड सेल ट्रेनिंग। सम टाइम द होलसेलर प्रोवाइड द सेल ट्रेनिंग, होलसेलर की करता सेल ट्रेनिंग प्रोवाइड करता रिटेलर नू जिंदे नाल की होगी उनकी हेल्प होगी सेल इनक्रीज करन दे विच। एरा जी पॉइंट आपां कीते आ कि जेहड़े होलसेलर सर्विस प्रोवाइड करता वा रिटेलर नू। थर्ड आ जाता सर्विस टू कंज्यूमर और सोसाइटी, सोसाइटी या कंज्यूमर नू केड़िया सर्विस प्रोवाइड कीती जांदियां वा होलसेलर द्वारा। सो फर्स्ट ही आ जांदियां प्रोवाइड गुड्स एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ कंज्यूमर, जो भी कंज्यूमर दी रिक्वायरमेंट हुंदी आ उस अकॉर्डिंग उनके फैशन टेस्ट डिमांड दे अकॉर्डिंग ये सर्विस प्रोवाइड कीती जांदियां वा होलसेलर द्वारा। नैक्सट आ जाता प्रोवाइड गुड्स एट यूनिफॉर्म प्राइस, यूनिफॉर्म मीन्स सेम प्राइस से, होलसेलर सेल गुड्स टू रिटेलर एट यूनिफॉर्म प्राइस इन देयर एरियाज। होलसेलर की इंश्योर करता कि जेडी उन्हें गुड्स की सप्लाई करनी अपने एरिया दे विच और सेम प्राइस दे होवे सारे नू, सारे कस्टमर नू इको प्राइस से गुड्स अवेलेबल होनगियां। नैक्सट आ जाता प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू प्राइजेस, ठीक है, जिस तरह यूनिफॉर्म प्राइस सेम प्राइस से गुड्स अवेलेबल कराइया, हुण नैक्सट सर्विस की प्रोवाइड करता हो कि जेड़ा प्राइस दे विच स्टेबिलिटी रवे, प्राइस दे विच प्रोडक्ट दे प्राइस दे विच ज्यादा फ्लक्चुएशन ना आन। और फ्लक्चुएशन आन दा रीजन की हुंदा रहा जी, डिमांड एंड सप्लाई दे विच जो इमबैलेंस क्रिएट हुंदा। नैक्सट आ जाता प्रोवाइड गुड्स एट रीजनेबल प्राइस, जेडे असी कस्टमर नू गुड्स प्रोवाइड करनी आ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਦੇਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਹੋਲਸੇਲਰ ਨੇ ਇਹੀ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਡਸ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਾਵਾਂ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਗੁੱਡਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਹੋਲਸੇਲਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਅਮਾਊਂਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੋਲਸੇਲਰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਵਾ, ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ खर्चा घट पा, प्राइस घट होएगा, दैन फिर रिटेलर नू भी घट प्राइस ते देगा, ते इस तो बाद फिर कस्टमर नू भी घट प्राइस ते ही गुड्स अवेलेबल हुंदियां। लास्ट पॉइंट आ जाता प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट न्यू प्रोडक्ट, होलसेलर की करता जो भी न्यू प्रोडक्ट मार्केट दे विच इंट्रोड्यूस हुंदा उनदे एडवर्टीजमेंट दे द्वारा अपने कंज्यूमर नू अवेयर करवांदा। ए पॉइंट सीगे सर्विस ऑफ द होलसेलर रिगार्डिंग सोसाइटी, ठीक है, सोसाइटी या कंज्यूमर दे रिगार्डिंग की होंदी रिस्पोंसिबिलिटीज, की सर्विस बनदियां सीगियां। राजी आपां थ्री सर्विस कीतियां सीगियां होलसेलर दियां, किंदे किंदे रिगार्डिंग सी, मैन्युफैक्चर रिटेलर एंड सोसाइटी दे रिगार्डिंग। आई होप तुहानूं सारिआं नूं समझ लग गई होगी। थैंक यू।